वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम देखेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी एंड ग्राफ थ्योरी में ड्यूअलिटी का थर्ड न्यूमेरिकल, लास्ट न्यूमेरिकल। मैं इस वीडियो देखने वालों को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि कृपया अगर आपने ड्यूअलिटी के पहले दो न्यूमेरिकल और उसके स्टेप्स कैसे सॉल्व करते हैं वो नहीं देखे तो इस वीडियो के एंड में मैंने एक लिंक भेजी है, तो पहले वो देखो, वो वीडियो पहले देखो, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये ब्रीफ सर्किट है, पहले वाले दो सिंपल सर्किट दो न्यूमेरिकल में मैंने लिए है। इसके जो बैक वाला एपिसोड था वहाँ मैंने वो लिए है, ठीक है। तो देखिए, ड्रॉ ड्यूअल ऑफ द गिवन नेटवर्क। इसका ड्यूअल हमें निकालना है, तो हम क्या करते हैं, एक एक लूप में एक एक पॉइंट मार्क करते हैं। देखो, एक एक नोड को हमने मार्क किया। अगर हमने इसे कहा ए बी सी और बाहर एक नोड हम रखते जो है रेफरेंस नोड डी, तो देखिए हमने वैसा अगर यहाँ डिनोट किया है तो आंसर भी ऐसा ही आएगा। हम वो पॉइंट्स यहाँ लिखते ए बी सी डी, ये हमने मार्क किए। देखो ए बी सी डी। अभी देखो, एक एक एलिमेंट को हमें ट्रेस करना है। ए टू रेफरेंस नोड, एक एक एलिमेंट को हमने ट्रेस किया। तो देखिए, ए टू हमने इस रजिस्टर में से रेफरेंस नोड डी तक आए, तो इस रजिस्टर का क्या होगा, कंडक्टेंस होगा, तो ये 10 ओम का होगा, 10 सीमेंस, ए टू डी। तो देखो ए टू डी, ये हुआ हमारा कंडक्टेंस। तो ये रेजिस्टर की वैल्यू थी 10 ओहम, तो इस कंडक्टर की वैल्यू हुई 10 सीमेंस। अभी देखिए, ये वोल्टेज सोर्स को ट्रेस करो जो ए में आ रहा है, ए पॉइंट में डी तक आओ। ये जो हुआ, ये वोल्टेज सोर्स को ए टू डी हमने ट्रेस किया है, तो वोल्टेज सोर्स का होगा करंट सोर्स, और वोल्टेज सोर्स की जो मैग्नीट्यूड है ये है 5 वोल्ट, तो यहाँ आया 5 एम्पियर, ठीक है। फिर ए टू डी ट्रेस करो 20 ओम रेजिस्टर में से, 20 ओम का ये रेजिस्टर है, तो ये ट्रेस करो, तो ये हुआ 20 सीमेंस। तो फिर ए टू डी, देखो ए टू डी, ये हुआ हमारा 20 सीमेंस, कंडक्टेंस हुआ, ठीक है। फिर ये जो अंदर के जो है बीच वाले एलिमेंट्स वो ट्रेस करो। ये देखो ए टू बी रेजिस्टर है 40 ओम का, तो यहाँ ए टू बी में 40 सीमेंस का कंडक्टेंस आएगा, तो देखिए 40 सीमेंस का कंडक्टेंस। फिर ए टू सी में ट्रेस कर रहा हूँ, ए टू सी ट्रेस करो 60 ओम, तो 60 सीमेंस का कंडक्टेंस आएगा ए टू सी के बीच में। देखो ए टू सी कंडक्टेंस आया ए टू सी में 60 सीमेंस का, 60 सीमेंस। फिर ए टू सी हुआ, फिर बी टू सी, बी टू सी में कैपेसिटर है, तो यहाँ आएगा इंडक्टेंस, बी टू सी में आएगा एक इंडक्टर, और कैपेसिटर है 4 माइक्रोफैरेड का, तो इंडक्टर्स आएगा 4 माइक्रोहेनरी का। फिर बी टू रेफरेंस नोड ट्रेस करो, बी टू डी, तो बी टू डी एक इंडक्टर आ रहा है बी टू डी के बीच में, तो यहाँ होगा उसका कैपेसिटर, तो ये इंडक्टर है 2 हेनरी का, तो कैपेसिटर हुआ 2 फैरेड का। फिर बी टू डी ट्रेस हुआ, अभी सी टू डी ट्रेस करो, सी टू डी में एक 50 ओम का रेजिस्टर आ रहा है, तो 50 ओम का ये रेजिस्टर हुआ हमारा कंडक्टेंस 50 सीमेंस का। तो देखिए ये जो पॉइंट है ये है हमारा रेफरेंस नोड, ये हुआ उसका ड्यूअल नेटवर्क। ऐसे बहुत सारे नेटवर्क्स के ड्यूअल अभी हमें पता चल गए हैं। देखो कैसे ड्रॉ करते हैं, रेजिस्टर का कंडक्टेंस, कैपेसिटेंस का इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का कैपेसिटेंस, वोल्टेज सोर्स का करंट सोर्स, स्विच ओपन होगा तो उसका स्विच क्लोज करो या फिर वाइस वर्सा करो, जो भी वैसा हमें जो दिया है इसके अपोजिट हमें करना है ड्यूएल निकालने में। बहुत ही सिंपल है। इस टाइप के
ड्यूअल नेटवर्क के जो भी एग्जांपल आपके बुक में है वो आप प्रैक्टिस के लिए अभी सॉल्व करो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर कुछ डाउट आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए।